नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी कोई समस्या बहुत देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। दोस्तों आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग शत्रु से परेशान हैं, या फिर वो लोग जिनको शत्रु आए दिन परेशान करता रहता है, और वो लोग भी जिनको एक के बाद एक शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, और ऐसे सिलसिलेवार जिनके यहाँ भी हो रहा है वो लोगों का मेंटली पोजीशन काफी दयनीय हो जाती है। दोस्तों वो काम धंधे के बारे में ना सोच के हमेशा शत्रु के एक तरफ उनका दिमाग लगा रहता है। तो ऐसे शत्रुओं से जिनका आप सामना नहीं कर सकते, जिनका आप किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते, तो ऐसे शत्रुओं से निजात पाने के लिए ये क्रिया रामबाण साबित होगी। दोस्तों ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये क्रिया आप ऐसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार या शनिवार को करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आपको देखने मिलेगा। दोस्तों ये क्रिया महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बाजार से नया मोजे खरीद के लाने हैं। क्या करना है, बाजार से नया मोजा खरीद के लाना है, और मोजे का कलर सफेद कलर होना चाहिए, वाइट कलर, और वो मोजा आपको ले आना है। और आपको बाजार से काजल भी खरीद लेना है, काजल की डब्बी बाजार में मिलती है। अगर काजल घर का बना हो तो सबसे बेस्ट, अगर घर का नहीं है तो फिर आप बाजार से भी काजल की डब्बी ले सकते हैं, और उस काजल की डब्बी को लेके उस मोजे के तलवे के भाग में जो भाग उसका जूते पे खस्ता हो, पैर में नीचे के तलवे के भाग में आता है, उस भाग में बाहर की तरफ जो भी आपका शत्रु है, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो, रावण के समान भी अगर हो ना, तो भी निस्तेज नाबूद हो जाएगा। दोस्तों उस शत्रु का आप नाम लिखें मोजे, और नाम लिखने के बाद आप उस मोजे को पांव में पहन लें। लेफ्ट हैंड के मोजे में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आप दोनों में से किसी भी पांव के मोजे में लिख सकते हैं तलवे के भाग में, उस शत्रु का नाम लिख के, और आपको वो मोजा अपने पांव में पहन लेना है। मोजा पहनते समय आप शत्रु का 3 बार मन ही मन नाम बोले जो नाम आपने मोजे में लिखा है। मोजा पांव में पहने, लकड़ी आप कोई भी यूज कर सकते हैं नाम लिखने के लिए, काजल में लकड़ी या कोई भी सलाई लोकन की या कोई भी ऐसा कोई आपको अरेंज कर लेना है, जिससे कील हो लोगे लोहे की उससे भी लिख सकते हैं। नाम स्पष्ट रूप से लिखें दोस्तों,
बस आप वो मोजा पहन लें और बूट पहन लें। आप जितना चलेंगे फिरेंगे, जो भी क्रियाएं आप करते रहेंगे, आप बिंदास होकर अपना काम करें और वो शत्रु आपके पांव के नीचे जूते के अंदर दबा हुआ है। दोस्तों बहुत जल्दी आप स्वयं देखेंगे वो शत्रु की चीखें निकलने लग जाएंगी। वो शत्रु अपना सब कुछ खो देगा, उसके पास हर तरह की तकलीफें शुरू हो जाएंगी, मानसिक, आर्थिक, फिजिकल, हर तरह से वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। और आपको ये क्रिया एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी, बस करते रहिए इसको करने या समझने में। अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।